नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर गोपाल गोसेवा संस्थान बूंदी द्वारा महंत मंगल गिरिजी महाराज, मोहनदास जी महाराज, घनश्याम दास जी महाराज की अगुवाई में नगर परिषद प्रशासन के विरुद्ध अनिश्चितकाल धरना लगाकर नंदीशाला हेतु आवंटित भूमि पर शीघ्र निर्माण शुरू करने की मांग की। संस्थान के उपाध्यक्ष रामबाबू श्रृंगी ने बताया कि नंदी गोवंशों का समाधान नहीं होना बूंदी शहर की एक ज्वलंत समस्या है। शहर में गोवंश जनित दुर्घटनाओं में से महिलाएं, बच्चे सहित कई आमजन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, परंतु सभापति व आयुक्त आंखें बंद किए बैठे हैं। संस्थान के सचिव गोपाल माहेश्वरी ने बताया कि गोपाल गोसेवकों संस्थान बूंदी की मेहनत व जिला कलेक्टर महोदय की इच्छा शक्ति से नगर परिषद बूंदी को 28 बीघा नंदीशाला निर्माण हेतु आवंटन हो चुकी है। कब्जा भी प्राप्त हो चुका है, जिस पर सभापति 70 लाख रुपए मंजूर करना बताकर 1 सप्ताह में निर्माण कार्य शुरू करने की बात कर रही है, परंतु 4 सप्ताह बाद भी अभी तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य मौके पर शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में मजबूर होकर गो सेवक धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग अनुसार निर्माण कार्य शुरू होने पर ही धरने से उठेंगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस दौरान गो सेवकों ने सभापति होश में आओ, गो माता को न्याय दो, नगर परिषद मुर्दाबाद, नंदीशाला निर्माण शुरू करो आदि नारे लगाकर भारी विरोध जताया। इस दौरान गोपाल गो सेवा संस्थान अध्यक्ष प्रहलाद मीणा, सचिव गोपाल माहेश्वरी, उपाध्यक्ष रामबाबू श्रृंगी, कोषाध्यक्ष लोकतंत्र गुर्जर, प्रवक्ता भवानी शंकर, चिकित्सा प्रभारी कौशल यादव, एडवोकेट ओम प्रकाश मेघवाल, राधा रानी, गौशाला ओवन अध्यक्ष विजयलक्ष्मी जांगिड़, मीरा भील, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष किशनलाल मीणा, भाजपा मंडल महामंत्री मोहन मेघवंशी, पंडित संदीप चतुर्वेदी, विश्व हिंदू परिषद पूर्व जिला अध्यक्ष नंद सिंह सोलंकी, कोटा रोड मार्केट अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी, लक्ष्मी नारायण श्रृंगी, समाज सेवी कालू कटारा, प्रदीप श्रीमाल, गोभक्त चित्रांश तारवान, अभिमांशु सिंह चौहान, आनंद सिंह सिसोदिया, गिरिराज गुजर, लोकेश मीणा, भारती मीणा, दीक्षा शर्मा, मेघा शर्मा, मधुसूदन यादव, हंसराज यादव, विक्रम बंजारा, मनोज प्रजापत, मोहित जाजोरिया, लखन गौतम सहित सैकड़ों गो भक्तों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना सहयोग दिया। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमने नंदीशाला निर्माण शुरू करवाने को लेकर ये धरना लगाया है। अब सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, कब्जा भी संभला दिया, इंतकाल भी इनके नाम से खुल गया। सभापति जी ने घोषणा भी की थी कि हम 7 दिन में इसका निर्माण शुरू कर देंगे। 7 दिन के भी आज 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, कोई अभी तक तो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई निर्माण की। तो हम लोग चाहते हैं भाई जल्दी से जल्दी ये निर्माण शुरू हो। बरसात का मौसम है, जगह जगह गोवंश सड़कों पर है, आए दिन हादसे हो रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं है, एक्सीडेंट केस बढ़ते जा रहे हैं, अब इनको कहाँ रखें। तो इसके लिए तुरंत इसका नंदीशाला का निर्माण शुरू होना चाहिए ताकि गोवंश को भी जगह मिले और ये आमजन को भी राहत मिले। आपकी मुख्य मांग क्या है, वहाँ पर कितने लाख रुपए मिलेंगे?
लगभग सर 20-25 लाख रुपए का ये टेंडर कर दें, जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए कुछ सीसी टिन सेट वगैरह। अभी पक्का नहीं, तार बाड़े से काम चला लेंगे, पर जल्दी हो ना तो ये जो भी चौराहे में इनमें 100, 200, 300 गोवंश तो इनको तो वहाँ शिफ्ट किया जाए। धीरे धीरे शिफ्ट भी होते रहेंगे, निर्माण भी चलता रहेगा। बड़े अखबारों में तो 70 लाख रुपए की मंजूरी भी आया था, क्या वो सही है कि गलत? हाँ, ये बिल्कुल एक प्रमुख अखबार में आया था कि 18 तारीख को कि भाई 70 लाख रुपए की हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभापति जी का भी वर्जन था कि हमने सारे अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं है। अब ये टेंडर भी हुआ या नहीं हुआ, अभी तक तो कोई निर्माण शुरू नहीं हुआ। अब या तो सभापति जी झूठ बोल रहे हैं या फिर ये अखबार में गलत छपा हुआ है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। अनिश्चित रहेगा, बिल्कुल अनिश्चित रहेगा, और जब तक निर्माण शुरू नहीं हो जाता हम लोग यहाँ जय 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 जय